परमेश्वर मूसा जो सादान यूसुफा रे मरने ले बाद तेसरे सब रिश्तेदार मिस्र देशा मंज बसी गए स्यों और तिनारे वंश कई साला तक मिस्र देशा मंज ही रहे और तिनारे बहुत बाल बच्चे हुए तिना जो इजरायली बोलिया गया। कई सौ साल ले बाद इजरायलिया री गिनती बहुत बड़ी गई रही थी और मिस्री लोग एबे इस गला रे कठे धन्यवादी नहीं थे कि तिनारी मदद करने रे कठे यूसुफे बहुत कुछ कित्या था। सो इजरायलिया ले डरी गए क्योंकि स्यों गिनती मंज तिना ले बहुत ज़्यादा थे। इदी कठे तेस टाइम मिस्र देशा पर राज करने वाले फिरौन ने इजरायला जो मिस्रिया रा गुलाम बनाई दित्या। मिस्रिये इजरायलिया जो बहुत सारे भवन होर एती तक कि कई नगरा जो बनाने रे कठे मजबूर कित्या। तेसा सख्त मेहनता री वजह ले तिनारी जिंदगी बहुत दुख देने वाली बनी गई पर परमेश्वरे तिना जो आशीर्वाद दित्या होर तिनारे जरिए होर ज़्यादा बाल बच्चे जन्मे। फिरौन ने देखा कि इजरायलिया रे बहुत बाल बच्चे जमया कराए थे इदी कठे तिने अपने लोका जो ये हुक्म दित्या कि स्यों इजरायलिया रे सब नर बच्चे जो नील नदी मंज सटी कने मारी दे। एक इजरायली जनानिए एक नर बच्चे जो जन्म दित्या तेसे होर तेसा रे लाड़े जितना तिना ले हुई सक्या से बच्चा लुकोई कने रख्या। जेबे तेस बच्चे रे माओ बाप तेस जो हो ज़्यादा नी लुकोई सके ता तिने से मारे जाने ले बचाने रे कठे एक तैरने वाली टोकरी मंज नील नदी रे बाडे सरकंडिया रे बीच रखी दित्या। तेसरी बड़ी बहनिए ये देखने रे कठे तेसरी निगरानी कीती कि तेस सौगी क्या होना। फिरौना री मटिए तेसा टोकरी जो देखी कने तेता रे अंदर देखा जेबे तेसे एक बच्चा देखा ता तेसे से अपने बच्चे रे रूपा मंज अपनाई लया। तेसे एक इजरायली जनाने जो तेस जो दूध प्याने रे कठे कामा पर रखी लया बगैर ये जाने कि से तेस बच्चे री असली माओ थी। जेबे से बच्चा इतना बड़ा हुई गया कि एबे तेस जो अपनी मावा रे दूधा री जरूरत नहीं थी ता तेसे से फिरौना री मठिया वाले वापस भेजी दित्या। तीसरा नाव मूसा था। एक दिहाड़े जब मूसा बड़ा हुई गया ता तिने देखा कि एक मिस्री एक इजरायली मानू जो पिटिया करा था मूसे अपने साथी इजरायली जो बचाने री कोशिश कीती। जब मूसे सोचा कि से केसिया नहीं देखना ता तिने से मिस्री मारी दित्या होर तीसरी लाश दफन करी दिती। पर मूसे जो कित्या था तेस जो केसिये देखी ले रहा था। फिरौना जो पता चली गया कि मूसे क्या कित्या तिने तेस जो मारने री कोशिश कीती पर मूसा मिस्र देशा ले रेगिस्ताना रे इलाके मंज भगी गया। फिरौना रे सिपाही तेस जो तेती तोपी नहीं सके मिस्र देशा ले दूर रेगिस्ताना रे इलाके मंज मूसा एक पुहाल बनी गई रहा था। तिने तेती एक जनाने कने ब्याह करी लया और तीसरे दो मठे जन्मे। मूसा अपने सौरे री भेड़ा रे झुंडा रा ख्याल रखा था। एक दिहाड़े तिने एक बकरी झाड़िया देखी जो भस्म हुए बगैर भख्या कराई थी। तेसा झाड़ी जो देखने रे कठे से तेसा झाड़ी रे नेडे गया। जेबे से तेसा झाड़ी रे बहुत नेडे था ता परमेश्वरे तेस कने गल कीती। तिने बोलिया हे मूसा अपने चपलिया तुआरी दे तू एक पवित्र जगह पर खड़ी रहा।
परमेश्वरे बोलिया, मैं अपने लोकां रे दुख देखी रे, मां तू फिरौना वाले भेजना ताकि तू इजराइलिया जो मिस्र देशा री गुलामी ले काढ़ी कने ले आए, मां तिना जो कनान देश देना जिसरे बारे मंज में अब्राहम इजहाक और याकूबा कने वायदा कीतिरा। मुसे पूछा, अगर लोके जानना चाहा कि हाँ कुने भेजिरा ता हाँ क्या बोलूं? परमेश्वरे बोलिया, जो हाँ से हाँ आ तिना कने बोल कि जिसरा नाव हाँ आ तिने हाँ तुसा वाले भेजिरा। तिना कने ये बोलिया कि हाँ तुसा रे स्याणा रा यानी अब्राहम इजहाक और याकूबा रा परमेश्वर यहोवा, मेरा ये नाव हमेशा रा। मूसा डरा था और फिरौना वाले जाना नहीं चाहता था क्योंकि तिने सोचा कि तेज ठीक ढंगा कने नहीं बोली पाना। इदी कठे परमेश्वरे मूसा रा भाई हारून तेसरी मदद करने रे कठे भेजा। निर्गमन अध्याय 1 ले 4 ले 1 बाइबलारी कहानी।